हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन कुक विद एंडी। आज मैं लेकर आई हूँ गेहूं के आटे से बना बहुत ही टेस्टी सा क्रिस्पी सा नाश्ता, जो खाने में सभी को बहुत पसंद आने वाला है और इस बारिश के दिनों में आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना कैसे है देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पैन को गर्म कर लेना है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा हम कुछ सेकेंड के लिए रोस्ट करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1/2 टीस्पून सौंफ, काली मिर्च के दाने 8 से 10, और ऐड करेंगे 1 इलायची का दाना और इसे हल्के आंच पर हम रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मसालों को मैंने 1 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लिया है लो फ्लेम पर और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसे मैं हल्का सा ठंडा होने दूंगी। इसके बाद मैं इसे क्रश करके एक साइड में रख लूँगी। तो यहाँ पर मैंने भुने मसालों को अच्छे से इस तरह से क्रश करके ले लिया है। अब हमें एक बाउल में लेना है 2 उबले और ग्रेट किए हुए आलू। इसमें हम ऐड कर देंगे हमारा भुना हुआ मसाला, नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, हरा धनिया। अब हमें ऐड करना है मसाले। तो यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चावल का आटा 2 चम्मच, स्टफिंग बनके तैयार है। इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी बाउल में हमें आटे को गूंथना है। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, 1/3 टीस्पून हम ऐड करेंगे अजवाइन क्रश करके, और 1 छोटा चम्मच तेल ऐड करेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी ऐड करके हम सॉफ्ट मीडियम डो तैयार करेंगे। तो डो बनके तैयार है। थोड़ा सा तेल लगा के मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तो अब हमें इसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे। अब इसे बेल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे बड़ा सा बेल लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अब हमें इसके ऊपर रखना है हमारा आलू का मिक्सचर। और साइड से हम लगा देंगे पानी। और अब इसे कट कर देंगे। पहले साइड के कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इसे इस तरह से कट कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से दबा देंगे। अब हमें लेना है थोड़ा सा चावल का आटा और इसे इसमें डिप कर देंगे और इस तरह से सभी को कोट कर लेंगे। इसी तरह से और हम रोटी बना के भर के इसे इस तरह से तैयार करके चावल के आटे में कोट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी को भर के मैंने तैयार कर लिया है और यहाँ पे मैंने पैन में लो फ्लेम पर तेल को गरम कर लिया है और अब हम इसमें एक एक करके इसे डालते जाएंगे और इसे फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक दोनों तरफ से पलट के पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर।
लीजिए अब बनके तैयार है हमारा गर्मा गर्म और क्रिस्पी स्नैक। इसे मैं निकाल लूंगी पेपर नैपकिन पे। इसी तरह से और सभी को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए झटपट गेहूं के आटे से बना स्नैक बनके तैयार है। आपने देखा इसे बनाना बहुत आसान था और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। सुबह के वक्त या शाम के वक्त आप इसे बना सकते हैं। चाय के साथ भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कुक विद एंडी पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।